हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और मेरा नाम है परवीन। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, मेरे वीडियोज़ को हमेशा लाइक करते हैं और देखते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मैं आपके लिए हॉल लेकर के आई हूँ। ये अमेज़न का हॉल जो कि कुर्ता सेट्स का हॉल है, तो बहुत ही प्यारा एंड अफोर्डेबल हॉल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इस समय फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो काफ़ी सेल भी चल रही है सारे वेबसाइट्स पे, तो मैंने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से कुर्ता सेट्स वगैरह आपके लिए मंगाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हॉल के साथ। तो ये है पिंक कलर का कुर्ता, कॉटन इसकी फैब्रिक है, गोल्ड प्रिंट आपको इस तरह से दिख जाता है पूरे ऑल ओवर कपड़े पे, इस तरह से गोल्ड फॉइल प्रिंट हुई है। कुर्ते की लेंथ काफ़ी अच्छी है, साइज़ मैंने मंगाया है मीडियम। और इसकी जो स्लीव है ये 3/4 स्लीव है, स्लीव पे भी आपको सेम प्रिंट वैसा ही मिल जाता है जैसा आपको फ्रंट पे और बैक पे मिलता है, यानी ओवरऑल सेम प्रिंट आपको मिल जाता है, सर से डॉट डॉट करके और डायमंड शेप में मिल जाता है। बहुत प्यारा लगता है, लाइट पिंक कलर का शेड है ये। और क्वालिटी वगैरह इसकी कही जाए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 500 की है। और मुझे कुर्ता प्लाजो इसके साथ ये पैंट और ये दुपट्टा तीनों चीज़ें रिसीव हुई हैं। तो कुर्ता आपने देख लिया है, उसके बाद है ये इसका पैंट। पैंट भी आपको सेम फैब्रिक की मिल जाती है बट प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, इसमें छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं सेम गोल्डन कलर से ही। और आपको वेस्ट पे यहाँ पे इलास्टिक मिल जाती है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत पसंद आई है। इसके बाद है इसका दुपट्टा, यह है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत चौड़ा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे आप जो भी कुर्ता सेट वगैरह मंगा रहे हैं तो जनरली सबके साथ इसी तरह के पतले दुपट्टे ही रिसीव हो रहे हैं। तो ये दुपट्टे पे भी आपको सेम वही प्रिंट मिल जाता है जो आपको पैंट पे इसके मिले, ट्राउजर पे जो प्रिंट मिल रहा है वही सेम गोल्डन प्रिंट का पैटर्न आपको मिल जाता है। और दुपट्टे के कॉर्नर पर आपको ये गोल्डन कलर की फैब्रिक के दो टेसल्स लगे हुए कॉर्नर कॉर्नर पर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये मुझे बहुत प्यारा लगा, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये 630 या 39 रुपीज़ का है। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और प्यारा लगता है, पहनने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है जैसा कि आप देख पा रही होंगी। यहाँ नेक पे आपको योक मिल जाता है, योक पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट है, लाइनिंग लाइनिंग इस तरह से डॉट में प्रिंट आपको मिल जाता है वर्टिकल शेप में। और योक के ये चारों तरफ से आपको इस तरह से गोटा पट्टी की ट्रायंगल वाली लेस लगी हुई मिल जाती है। इस योग की वजह से ये प्यारा लगता है, बहुत प्लेन सा नहीं लगता है, तो बहुत प्यारा लगता है, आप एज अ फेस्टिव वेयर इसे यूज़ कर सकती हैं। यहाँ स्लीव इसकी 3/4 है और स्लीव्स के ऊपर भी आपको सेम वैसा ही प्रिंट मिल जाता है जो आपको नेक पे मिलता है, और वही लेस भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो स्लीव भी इसकी वजह से बहुत प्यारी सी लगती है। और इसके बाद पूरा नीचे तक ये आपको प्लेन मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक प्लेन है। लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेंथ में कहीं से भी ऐसा नहीं है कि लेंथ छोटा है या आपको पहनने पे छोटी आएगी। तो साइज़ मैंने सबके मीडियम ही मंगाए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं स्मॉल मीडियम दोनों ही मुझे आ जाता है, तो किसी किसी में मैंने स्मॉल भी मंगाया है। तो ये मुझे प्यारा लगा। इसका जो ट्राउज़र है ये पूरा आपको मिल जाता है प्लेन, इलास्टिक मिल जाती है आपको फ्रंट एंड बैक पे, फैब्रिक इसकी रेयन है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो एंकल का पोर्शन है यहाँ पे आपको सेम वैसा ही प्रिंट एंड लेस का वर्क मिल जाता है जो आपको स्लीव पे मिल जाती है। इसके बाद इसका दुपट्टा है जो डार्क ग्रीन टोन में है और ग्रीन के ऊपर गोल्डन से ऐसे प्रिंट हुआ है, तो जो बहुत सा खिल करके से उभर करके इसकी डिज़ाइन आ रही है। नीचे आपको इस तरह का सेम वही लेस मिल जाता है गोटा पट्टी वाला, जैसा बॉर्डर जैसा लुक आ रहा है। तो ये आप तो परफेक्ट मैं कहूँगी कि फेस्टिव वियर है, इसे आप पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगने वाला है। ये ट्राई ऑन मैं लगा दूँगी साथ में, आपको लुक समझ में आएगा कि कैसा दिखता है। इसके बाद मेरे पास है ये बेज कलर का सेट, ये भी गोश्रीकी का ही है। इसके साथ मुझे ये दुपट्टा एंड ये ट्राउज़र भी रिसीव हुआ है, ये भी 3 पीस का ही सेट है। इसको आप देखिए, ये मुझे कलर थोड़ा सा चेंज रिसीव हुआ है, मैंने इसे ग्रीन में मंगाया था बट मुझे बेज में रिसीव हुआ है, लेकिन मुझे ये भी पसंद आ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पहनने पे। तो
आपको ये वाला पसंद आ रहा है या ग्रीन अगर आप लेना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके भी स्लीव्स पे आपको यहाँ पे रेड कलर की लेस मिल जाती है, जो रेड एंड गोल्डन में यहाँ पे बना हुआ है वर्क। सेम ही लेस आपको यहाँ पे प्लेकेट लगी हुई मिल जाती है नेक पे, और सेम लेस का ऐसे वर्क मिल जाता है। तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, नीचे तक इसकी लंबाई बहुत अच्छी है और फैब्रिक क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस है ओनली 499 रुपीज़। 500 में आपको 3 पीस का सेट मिल जाता है और इतनी अच्छी क्वालिटी में, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही औसम लगता है पहनने पे। इसका दुपट्टा रेड कलर का है, दुपट्टे की वजह से ये बेज कलर जो है वो बहुत प्यारा लगता है। इस बेज के साथ रेड का कॉम्बिनेशन या मरून का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो दुपट्टा है, ये इसकी चौड़ाई इतनी है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ये इतना चौड़ा है। लेंथ तो मुझे ठीक लगी, इसकी लेंथ अच्छी है, 2 मीटर आई थिंक है, 2 मीटर प्लस है। इस पे जो फॉइल प्रिंट हुआ है गोल्ड से, आपको इस तरह से फॉइल प्रिंट। इसके साथ मुझे ये रिसीव हुआ है ये ट्राउज़र, सेम फैब्रिक सेम कलर है कुर्ते का, और सेम वैसा ही लेस लगा हुआ है जैसा कि स्लीव पे और नेक पे लगा हुआ मिल जाता है रेड एंड गोल्डन में आपको। ये भी सेम ब्रांड गोस्ट रिकी का ही है, ये भी मीडियम, और साइज़ इसकी है मीडियम। तो ये फैब्रिक इसकी जो है वो रेयॉन है, और इसके भी नेक पे आप देख पा रहे इस तरह से गोटा पट्टी का ही लेस लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि गोटा पट्टी का लेस इस समय काफ़ी ट्रेंड में है, हर चीज़ों में आपको लगा हुआ मिल जाता है। इसके स्लीव्स पे भी आपको यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से बॉर्डर पे मिल जाता है सेम वही लेस। 3/4 इसकी स्लीव की लेंथ है, और नीचे की तरफ आपका ये जो दामन का पार्ट होता है, जो स्लिट बनी होती है, स्लिट पे फ्रंट एंड बैक पे, और नीचे बॉटम की जो हेम लाइन है यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक पे दोनों तरफ सेम वैसा ही लेस आपको देखने के लिए मिल जाता है लगा हुआ है। इस लेस की वजह से ही ये बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल प्लेन सा नहीं लगता। इसके साथ ये लेस की डिटेलिंग होने की वजह से इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये ट्राउज़र, ट्राउज़र में फ्रंट एंड बैक में इलास्टिक आपको मिल जाती है इस तरह से, और पूरा ये जो है ये प्लेन है ट्राउज़र। इसका जो बॉटम है ये इतना है, आप देख पा रहे हैं। फैब्रिक सेम रेयॉन की है और अच्छी वाली रेयॉन यूज़ हुई है, बेकार सी रेयॉन नहीं है। तो ये अच्छा लगा मुझे, ये भी चौड़ा अच्छा खासा इसकी चौड़ाई है, और साथ ही साथ आपको इस तरह से ये गोल्डन फ्लावर वाली लेस की जैसे टेसल मिल जाती है गोटा पट्टी वाली, इस तरह से कॉर्नर पे आपको, कॉर्नर कॉर्नर पे और सेंटर पे भी दो आपको इस तरह से लेस मिल जा रही है। तो इसकी वजह से ये दुपट्टा प्लेन नहीं लग रहा है, इसकी टैसल्स की वजह से इसका लुक बहुत प्यारा हो जाता है। जब ट्राई ऑन में लगाऊंगी तो आप उसमें देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ये दुपट्टा। तो इसका ये दुपट्टा है। तो जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट आज आपके साथ शेयर किए हैं, जिनका भी रिव्यू, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आता है आप वहाँ से जाकर के इसे चेकआउट कर सकती हैं। वीडियो मेरा आपको पसंद आता है और आपके परचेज में आपको हेल्प करता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching.